तो आज हम देखेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक ट्रायनोमियल का हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। मतलब कि कोई भी अगर इक्वेशन है मेरे पास, देखिए वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में एक क्वाड्रेटिक ट्रायनोमियल है। क्वाड्रेटिक एक्स पावर टू होता है, क्वाड्रेटिक होता है, और ये तीन टर्म ट्रायनोमियल है। तो इसका हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे ये हम समझेंगे आज, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, उनके बेसिस पे हम देखते हैं, ठीक है, कैसे समझते हैं उसको। देखिए एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस का 9x है प्लस 18 है, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स का जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, 1 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा मेरे पास, ये 18 हो जाएगा। यहाँ समझ लेते हैं 18 हो जाएगा। 18 को फिर से हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे 2 से, 2 9 18, 3 3 जा 9। तो देखिए इसको ऐसे हम तोड़ेंगे कि मेरा 9 हो जाए। तो देखिए 3 2 जा 6, 6 में अगर हम 3 को ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई और ऐड करके तोड़ना है, दो दो पार्ट में ब्रेक करके। तो और दूसरे किसी भी तरीके से ये 9 नहीं आएगा, आपको इनको इनको मल्टीप्लाई कीजिए और इनको ऐड कीजिए तो ये आपको 9 आएगा। 3 2 6, 6 प्लस 3 9, तो ये टूट जाएगा मेरे पास किस में, 9 में। तो देखिए क्या करते हैं, इसको हम इसमें लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 3x प्लस 18 इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए इन दोनों में सब कॉमन क्या आएगा हमको, इन दोनों में से हमको x आ रहा है कॉमन, और यहाँ क्या आएगा x प्लस 6, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 3, तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 6, सॉरी ये 0 नहीं होगा, इक्वेशन है इक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। तो क्या करना हमको, देखिए इन दोनों में से फिर क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो क्या आएगा मेरे पास, ये इन दोनों को कॉमन लेंगे तो ये आएगा x प्लस 6, और बाकी क्या बचेगा यहाँ पे, इसमें x बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल एक समझते हैं इसको, कि पहला और दूसरा। तो देखिए ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5√3 प्लस 12, ठीक है, इसको तोड़ते हैं। ठीक है, रूट वाला जब भी सवाल मिला आपको तो उसके लिए क्या कीजिएगा, तो ये तो रूल तो वही रहेगा लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं। देखिए 12 × 1 यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 को पहले ब्रेक कीजिए किस में, 2 × 3 में, ये 12 हो गया। अब उसके रूट किसका है, तो रूट है 3 का, तो 3 को फिर से तोड़िए। 3 को क्या तोड़ना है, कैसे, देखिए 3 को लिख सकते हैं हम √3 × √3, तो √3 × √3 3 होता है, अगर ये पता है ठीक है, नहीं तो आप जान लीजिए। किसी भी नंबर को उसके रूट में दो बार लिख सकते हैं, जैसे √5 × √5 5 हो जाता है ना, √6 × 6 6 हो जाएगा, है ना। रूट में वो नंबर अगर दो बार है तो नंबर रूट से बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो ऐसा आप जान लीजिए। तो इसको हम तोड़ेंगे 2 × 2 × √3 × √3, तो देखिए आप ये 4√3 और ये √3 दोनों को ऐड कीजिए, आप 5√3 मिल जाएगा आपको। तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 4√3 और √3 में, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 एक्स प्लस का √3x प्लस 12। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए कॉमन क्या है दोनों में से, तो देखिए हमको सिर्फ x मिलने वाला कॉमन, x प्लस यहाँ 4√3 मिलेगा प्लस का, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा √3। ओके, तो √3 निकालते हैं, यहाँ क्या मिलेगा x प्लस, अब यहाँ क्या मिलेगा 12 में से अगर हम √3 निकालते हैं, देखिए तो क्या बचेगा, ये 4√3 बचेगा, है ना, तो ये बचेगा आपको 4√3। तो अब देखिए यहाँ पे 4√3 एक्स प्लस 4√3 दोनों फिर से मिल रहा है, तो इनको फिर से हम कॉमन लेते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे एक्स प्लस 4√3 कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ एक्स बचेगा और यहाँ √3 बचेगा, तो ये आएगा आपको एक्स प्लस 2√3, है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल को, देखिए सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 5√5 प्लस 30, इसको कैसे तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम 30 × यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 30 × 1 30 को ब्रेक करेंगे, 30 को ब्रेक करके क्या ला रहे हैं, देखिए 30 टूटेगा 5 × 6 में, और 6 भी टूट जाएगा 2 × 3 में, 2 × 3 में 6 टूट गया, तो 30 को लिख सकते हैं हम 2 × 3 × 5। लेकिन आपको देखिए यहाँ पे तोड़ा किसको गया,
फाइव को ना, तो फाइव को फिर से ब्रेक करेंगे है ना रूट फाइव में, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं 2 × 3 इंटू रूट फाइव इंटू रूट फाइव। इसे पिछले बार हम बता चुके हैं कि किसी भी नंबर को हम रूट में दो बार करेंगे तो वही नंबर आएगा मल्टीप्लाई। अगर रूट में दो बार होता है तो ये खुद ही वो नंबर आ जाता है। तो देखिए अब 3 × 2 = 6, 6 √5 में से अगर 1 √5 चला जाएगा है ना, तो ये मेरे पास क्या बचेगा 5 √5। लेकिन ये हमको माइनस नहीं चाहिए है ना, हमको चाहिए क्या यहाँ पे, एक बार देखिए 2 √5 इसको दीजिए, एक बार दीजिए ये, हमको प्लस वाला चाहिए क्योंकि इनको इनको मल्टीप्लाई करने पे +30 हुआ था। तो ये ऐसे भी टूट सकता है, 6 √5 में से रूट फाइव चला जाएगा तो 5 √5 आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए ना, माइनस नहीं करना हमको, क्योंकि अगर 6 √5 में से -√5 जाएगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको -30 देगा, लेकिन यहाँ पे 30 × +1 +30 है। तो आपको ऐसे तोड़ना है, 1 √3 इसको दे दीजिए है ना इस 5 को, 1 और 2 जो है ना इसको दे दीजिए, तो मतलब ये 3 के साथ √5 और 1 2 के साथ √5। तो 3 √5 + 2 √5 भी क्या होता है 5 होता है। तो यहाँ ये यूज़ करेंगे तो x² + 5√5 x, इसको तोड़ेंगे इसको तो लेते हैं 2√5 x + 3√5 x + 30। तो देखिए इन दोनों में से हमको कॉमन क्या मिलेगा, इन दोनों में से हमको कॉमन मिलने वाला है यहाँ से x + 2√5, और इन दोनों में हमको क्या कॉमन मिलेगा, इन दोनों में से हम 3√5 कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा, उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा 2√5 बचना चाहिए, क्यों, देखिए 3√5 बाहर यहाँ निकल गया ना, यहाँ देखिए 3√5 निकल चुका है तो बचेगा 2√5 यहाँ पे। अब इस बार इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 30 आता है कि नहीं आता है। तो √5 × √5 = 5 और 5 × 3 = 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 30 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से मेरे पास ये दोनों कॉमन आ रहा है x + 2√5, तो x + 2√5 हम निकाल सकते हैं बाहर। तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 3√5 बचेगा, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। ओके एक और एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं, देखिए 3√3 x² + 10 x + 8√3, हमको सबसे पहले इनको और इनको मल्टीप्लाई करना, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है ये और इसको कॉन्स्टेंट टर्म को, तो इनको इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, देखिए ये आएगा मेरे पास √3 × 8√3, दैट इज इक्वल टू √3 × √3 = 3, 3 × 8 = 24, 24 को हम तोड़ेंगे किसमें 10 में, तो हमको सीधे दिख रहा है 4 और 6 में टूटेगा, 4 6 = 24 है ना, तो 4 और 6 में इसको तोड़ लेते हैं, √3 x² + 6 x + 4 x + 8√3। ओके अब आगे क्या करते हैं इसको देखिए, यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, इनमें से हम कुछ कॉमन लेते हैं कॉमन, ठीक है 6 में √3 मिलता है क्या, जरूर 6 में हमको √3 मिलेगा, इसको हम लिख सकते हैं 6 को 2 × 3 और 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, तो 2 × √3 × √3, तो देखिए √3 मिलेगा तो क्या बचेगा इसमें 2√3 बचेगा, तो √3 हम कॉमन लेते हैं और दोनों में x भी है तो x भी कॉमन लेते हैं है ना। तो क्या आएगा मेरे पास, देखिए इसमें x आएगा प्लस का, इसमें क्या आएगा मेरे पास 6 में हम √3 निकालेंगे तो 2√3 बचेगा, प्लस का देखिए यहाँ पे दोनों में से क्या कॉमन लेते हैं 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 2√3 बचेगा, ठीक है। तो देखिए इनमें से x + 2√3 बाहर निकालते हैं तो क्या आता है मेरे पास, यहाँ बचेगा √3 x और यहाँ बचेगा प्लस का 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फैक्टराइज करने के बाद। तो देखिए एक सवाल है 5 में x² - 2x + 7 = 16, इस टाइप का नीचे में जब भी सवाल मिले नीचे में कुछ डिजिट हो तो सबसे पहले आप उसका एलसीएम ले लिया कीजिए, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा ये देखिए 16 होगा, इसके नीचे में कुछ नहीं होगा 1 है, इसके नीचे में कुछ नहीं 1 है, ये 16 x² बनेगा -32 x बनेगा ये, और ये प्लस का 7 ही रहेगा। तो आगे देखते इसको, देखिए 16 को अब आप भूल जाइए, अभी 16 है नीचे में, इसका कोई मतलब नहीं 16 से, अब ऊपर में क्या है 16 x² - 32 x + 7 / 16, अब इनको और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है 16 × 7 कितना होगा, ये 16 × 7 मिलकर बनेगा
आप मल्टीप्लाई करके फिर से तोड़िएगा तो आप डायरेक्ट तोड़ ही लीजिए ना, इससे अच्छा है 7 इंटू 16, 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4, है ना। हमको लाना कितना है 32, ठीक है, 7 इंटू 4 28, 28 और मैं 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा 32 हो जाएगा। तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं कि इसमें 28 और 4 में, तो 16x² माइनस 28x माइनस का 4x प्लस 7, नीचे में 16 है। अब देखिए इसमें से इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल इनमें से हमको क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा कॉमन, और x भी है तो क्या हुआ ये 4x माइनस 7। इन दोनों में से भी आप माइनस 1 कॉमन लीजिए, माइनस 1 इसलिए कॉमन ले रहे हैं ताकि ये क्वांटिटी x वाला पॉजिटिव बन जाए ना, 4x पॉजिटिव बन जाए, और यहाँ भी 4x पॉजिटिव है तो 4x ये माइनस 7 हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस ये प्लस होगा। अब देखिए इनमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, 4x माइनस 7 है ना, तो 4x माइनस 7 आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा आपको 4x बचेगा और यहाँ माइनस 1 बचेगा, तो यहाँ 4x यहाँ माइनस 1, तो ये आंसर हो जाएगा। तो सॉरी इनके साथ 16 भी था नीचे में, है ना, 16 को छोड़ना नहीं है, तो ये भी आ गया इसके नीचे में 16। ओके तो या तो ये आंसर है या तो इसको ब्रेक कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, एक 16 इसको दे दीजिए, एक इसको दे दीजिए, तो आपका जो आंसर है वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, या फिर इनको ब्रेक कर लीजिए तो ये आपको आएगा 4x माइनस 7, इनका 16 इनको दे दीजिए तो ये 16 और नीचे में 16। ओके तो बाकी जो है इसका 16 और ये 4x माइनस 1 है, तो इसको कैंसिल कीजिए कर लीजिए, ये कैंसिल होने के बाद आएगा 1/4 मतलब x बाय 4 माइनस 7/16 और मल्टीप्लाइड बाय 4x माइनस 1। अदरवाइज आपका आंसर यहाँ तक भी सही था, है ना, मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन मेरे पास ये, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम 21 होगा, तो ये 21 इंटू 21 एक्स स्क्वायर होगा, और ये माइनस का 21 इंटू 2 41x होगा, और ये प्लस का 1 होगा। तो देखिए क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे, सॉरी ये 41 21 इंटू 2 42 हो जाएगा। ओके अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, 42 में तोड़ना है इसको 21 21 को, तो 42 में तो हम इजीली में ब्रेक कर सकते हैं, 2 बार 21 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या 21 इंटू 21 का एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 21x प्लस का 1 अपन 21। अब ध्यान से अगर इसको देख दे तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी था, तो कोई बात नहीं ये इसमें भी ब्रेक हो जाएगा तब ये वही आने वाला है। तो देखिए इसमें से 21x कॉमन लेते हैं, तो क्या होगा 21x कॉमन लेने के बाद ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 21x और यहाँ आएगा आपको माइनस का 1, यहाँ भी माइनस ले लीजिए 21 कॉमन, तो ये क्या आएगा मेरे पास 21x और माइनस का 1। तो अब इसमें से आप कॉमन लीजिए, यहाँ पे माइनस 1 था कॉमन, कुछ नहीं है, तो इन दोनों को आप फिर से कॉमन लीजिए, नीचे में आप 21 ध्यान रखिएगा ये है। अब इसको क्या करते हैं 21 और 21x दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो 21x माइनस 1 आएगा और इसमें क्या आने वाला है 21x माइनस 1, तो आप यहाँ तक भी रख सकते हैं, नीचे में 21 भी है, अदर इसको इन दोनों को 21 दे सकते हैं, है ना, क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 21x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 21x माइनस 1 अपन 21, क्योंकि मल्टीप्लाइड में इसको दीजिए 21 है, बात बराबर है। अब इन दोनों को इक्वल अमाउंट में अगर बांटना चाहें तो बांट सकते हैं, ठीक है, ये कैसे देखिए, तो ये आएगा मेरे पास 21x अपन 21 माइनस 1 अपन 21 और ये वही रहेगा 21x माइनस का 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा मेरे पास x माइनस 1 अपन 21 इंटू का 21x माइनस 1। ओके एक और सवाल देखते हैं हम इस पे, 2 टाइम्स x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9 टाइम x प्लस वाई माइनस 5, ठीक है, इसको भी वही काम करना होता है, इसमें ब्रेक करना होता है, लेकिन हमको ये दिख रहा है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा
इसमें ये टर्म दो बार इन्वॉल्व हुआ, तो इस ये दो टर्म जो सेम टर्म इन्वॉल्व हो रहा है, इसको हम कुछ अलग टर्म सिंगल टर्म एज्यूम कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर नहीं भी कीजिएगा तब भी बनेगा, है ना, अदरवाइज वो लंबा होगा। तो सिंपल ये मान लेते, लेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू सम नंबर से टी, ठीक है। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, देखिए ये हो गया टू इंटू, ये बन जाएगा टी का होल स्क्वायर माइनस 9t माइनस 5। अब ये सिंपल बन रहा है, ठीक है। अब हमको ये 2t स्क्वायर और 5 है, हमको तोड़ना है इसको 9 में, है ना। तो ये बेसिकली 2 इंटू 5 कितना होता है, 10। 10 को 9 में तोड़ना है ना। तो 10 को हम 9 में तोड़ सकते हैं, कैसे, 1 और 10 में। तो क्या बनेगा मेरे पास, ये 2t स्क्वायर माइनस का 10t प्लस का t माइनस 5, क्योंकि देखिए 10t में से t जाएगा तो -9 बचेगा यहाँ पे। अब इनमें हमको कुछ कॉमन चाहिए तो ले लेते हैं इसमें कुछ कॉमन, इन दोनों में हम दो ले लेते हैं कॉमन, ये इक्वल टू ही होगा हमेशा। तो दो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, टी सॉरी टी भी मिला दोनों में कॉमन है, टी भी है दोनों में, तो 2t कॉमन लेते हैं जिसमें बचेगा टी माइनस 5, और इन दोनों में तो कुछ नहीं, 1 मिलेगा, तो इसमें क्या होगा टी माइनस का 5। ओके फिर आगे क्या करते हैं, इसको देखिए टी माइनस 5 दोनों मिला कॉमन, तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2t प्लस 1 बचेगा, ये 2t और ये प्लस 1, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, लेकिन ये आंसर होने से पहले ये आप देखिए कि टी को हम क्या मानते हैं, एक्स प्लस वाई, तो हमको आंसर भी एक्स प्लस वाई के टर्म में ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, टी की जगह हम एक्स प्लस वाई रख देते हैं, सिंपल सा। तो एक्स प्लस वाई माइनस का 5 इंटू 2 इंटू टी की जगह एक्स प्लस वाई और ये प्लस का 1। तो एक स्टेप और चलेगा, ये बनेगा आपको एक्स प्लस वाई माइनस का 5 और ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद बचेगा 2x प्लस का 2y प्लस का 1, और ये हो जाएगा मेरा आंसर। एक सवाल ये है, इसको हम देखिए सॉल्व करते हैं, इसमें भी वही है, ये टर्म दो बार इन्वॉल्व हुआ है, तो इनको हमें कुछ छोटा टर्म एज्यूम कर लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट 3x प्लस 1 अपन एक्स इक्वल टू टी, बाद में इसका हम वैल्यू पुट कर लेंगे फिर से। तो ये बनेगा मेरे पास 10t स्क्वायर माइनस का, इसके साथ तो कोई नंबर है नहीं, तो ये टी माइनस 3। तो देखिए अब क्या हुआ, ये नंबर 10 इंटू 3 कितना होगा 30, 30 को तोड़ना है माइनस का टी में, तो कैसे तोड़ेंगे, 30 टूट जाएगा 5 और 6 में। तो हम क्या करेंगे, 10t स्क्वायर फिर माइनस का 6t प्लस का 5t माइनस 3, इनसे क्या होगा, तो इनसे क्या हो सकता है, देखिए इनमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, वो क्या होगा 2t, कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 5t माइनस 3, इनमें से भी हम क्या लेते हैं कॉमन प्लस 1, तो ये बचेगा 5t माइनस 3। अब देखिए 5t माइनस 3 जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन दोनों को फिर से कॉमन ले सकते हैं। तो 5t माइनस 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा 2t और यहाँ क्या बचेगा प्लस का 1। तो ये मेरा आंसर भी नहीं होगा, इसमें हमको पुट करना है टी का वैल्यू, टी का वैल्यू 3x प्लस 1 में एक्स भी है, तो पुट कर लेते वैल्यू इक्वल टू 5 इंटू टी का वैल्यू मेरे पास है 3x प्लस 1 बाय एक्स, उसके बाद माइनस 3 ये आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा 2 इंटू टी, तो 2 इंटू फिर टी का वैल्यू 3x प्लस 1 बाय एक्स, उसके बाद यहाँ पे है प्लस 1। फिर इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए 5 3 15, तो ये हो जाएगा 15x और ये 5 अपन x, 5 इंटू 1 बाय x, तो 5 अपन x और ये माइनस 3 है, ये वाला माइनस 3। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म से, तो ये 6x होगा और फिर इनको इसे कीजिए तो 2 बाय x होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा।